धन की समस्या हो या कोई गृह बाधा, कर्ज से मुक्ति पानी हो या फिर मंगल दोष से छुटकारा, हर समस्या का समाधान है वीर हनुमान का ध्यान। मारुति नंदन हनुमान जी को ध्वज और तुलसी दल चढ़ाना अति कल्याणकारी उपाय बताया गया है, जिससे आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो सकती हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जिसको ज्योतिष में भी आता है कि केतु को ठीक करना हो तो हनुमान जी को ध्वज चढ़ाए, राम नामी ध्वज चढ़ाए, त्रिकोणाकार चढ़ाए या पंचकोणीय चढ़ाए, तो उस पे राम नाम लिखा होगा तो हनुमान जी किसी भी राहु केतु शनि आदि ग्रहों की शांति तुरंत कर देते हैं। और व्यक्ति को, जो व्यक्ति हनुमान जी को झंडा चढ़ाए, आप ये समझ लीजिए कि हनुमान जी उसके पद की रक्षा करते हैं, उसको किसी भी प्रकार का शत्रुओं से भय हो, मुकदमे आदि में परेशानी चल रही हो तो उन मुकदमों में भी विजय दिला देते हैं, इसलिए भी हनुमान जी को झंडा चढ़ाया जाता है। ध्वज जो हनुमान जी का है, वह ध्वज यदि आप हनुमान जी के अंशावतार के रूप में लगाएं, जैसे वो एकादश रुद्र हैं, यदि आप 11 ध्वज हनुमान जी का लगाते हैं और उसमें चमेली के तेल से, सेंदूर से ओम हंग हनुमते नमः लिख करके अगर अर्पित करते हैं तो सर्व कार्यार्थ सिद्ध है लिखा हुआ है, जो भी आप चाहते हो वह कार्य। इसीलिए तमाम लोग ध्वज को गाजे बाजे के साथ ले जाते हैं और भगवान सूर्य की ओर से दिखाते, क्योंकि सूर्य के शिष्य हैं हनुमान जी, उन्होंने उनसे विद्या प्राप्त की है, तो सूर्य को प्रणाम कराते हुए जब ध्वज हनुमान जी को अर्पित किया जाता है तो सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं हनुमान जी और ध्वज के बीच के संबंध के बारे में। हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज चढ़ाना लाभकारी होता है। ध्वज तिकोना होना चाहिए और इस पर राम लिखा होना चाहिए। मंगलवार को ध्वज चढ़ाने से संपत्ति का लाभ होता है। मंगलवार को ध्वज चढ़ाने से संपत्ति संबंधी सभी दिक्कतें दूर होती हैं। इस तरह का ध्वज वाहन पर लगाने से दुर्घटना से आप बचे रह सकते हैं। हनुमान जी के बारे में कथा कही जाती है कि भूख लगने पर एक बार वो सूर्य को ही खा गए थे। काफी मिन्नतों के बाद उन्होंने सूर्य को मुख से निकाला था, इसीलिए उनको भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हनुमान जी की भूख को तृप्त करना आसान नहीं है। उनको तृप्ति मिलती है तो सिर्फ तुलसी पत्र से। चलिए आपको बताते हैं हनुमान जी को क्यों प्रिय है तुलसी पत्र। एक बार माता सीता ने हनुमान जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया और घर की जब रसोई के सब सामग्री समाप्त हो गई और शहर से मंगाने के बाद भी जब सामग्री समाप्त हो गई, तब राम जी से ही पूछा कि हनुमान जी की भूख कैसे शांत होगी। तब भगवान ने कहा था कि मेरा नाम लेकर उनके भोजन में तुलसी दल परोस दीजिए। तुरंत से पहले हनुमान जी ने उस तुलसी दल को स्वीकार करते ही राम की कृपा से पूर्णता प्राप्त कर ली थी। आप किसी भी उपाय को कर चुके हों, थक चुके हों और आपको उन उपायों से लाभ ना मिल रहा हो, तो मात्र हनुमान जी को शहद में भीगा हुआ तुलसी दल चढ़ाने मात्र से या तुलसी पत्र पर लाल चंदन से राम लिखकर चढ़ा देने से हनुमान जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल के प्रयोग से अगर उसमें तुलसी दल का जो दल है, पत्ती नहीं है, उसमें कम से कम 3 या 5 पत्तियों का एक दल होता है, वो दल बनाया जाए और 1008 तुलसी दल ओम हंग हनुमते नमः को जब मंत्र से उससे सिंचित कर ले, फिर रघुनंदन जय सिया राम हरे इस मंत्र को स्मरण करते हुए जय रघुनंदन जय सिया राम हरे, जय राम हरे, जय राम हरे, रघुनंदन जय सिया राम हरे, ऐसे मंत्रों को जप करते हुए उमंग हनुमते नमः जोड़ करके यदि आप एक एक तुलसी दल का हनुमान जी को अर्पित करते हैं, निश्चित रूप से आपकी कार्य सिद्धि होगी, दुर्गा हुआ कार्य सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना एक अति विशेष प्रयोग है। हनुमान जी तुलसी दल से ही तृप्त होते हैं। हनुमान जी को तुलसी दल की माला अर्पित करें। हर मंगलवार को माला अर्पित करने से समृद्धि बनी रहती है। अर्पित किए हुए तुलसी दल का सेवन करने से सेहत अच्छी रहती है। मन में जब भी भ्रम की स्थिति हो, जब भी लगे जीवन किसी अंधकार की ओर अग्रसर हो रहा है, तो हनुमान जी की उपासना से आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज ऐसी है जो हनुमान जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वो चलिए अब आगे आपको बताते हैं।